दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कौन है, तो आपके दिमाग में किसका नाम आएगा? जाहिर सी बात है, वाइब्रेनियम। और जो सही भी है, कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी इसी से ही बनी है। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि वाइब्रेनियम रियल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं, ये तो बस एक फिक्शन है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मटेरियल के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप खुद कहेंगे कि भाई यही तो है रियल लाइफ वाइब्रेनियम। और हम ये भी देखेंगे कि क्या हम इस मटेरियल से मार्वल के सबसे फेमस वेपन्स में से एक कैप्टन अमेरिका की शील्ड को बना सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कैप्टन अमेरिका की शील्ड है वो मार्वल यूनिवर्स की मोस्ट इंडेस्ट्रक्टिबल ऑब्जेक्ट्स में से एक है। लेकिन दोस्तों, रिसर्चर ने एक ऐसा मटेरियल बना लिया है जो वाइब्रेनियम के बहुत क्लोज है। इस मटेरियल का नाम ग्रेफीन है। ग्रेफीन कार्बन एटम्स की सिंगल लेयर से बना होता है, जिसमें कार्बन एटम्स हेक्सागोनल पैटर्न्स में अरेंज्ड होते हैं। ये अब तक की बनाई गई सबसे थिनेस्ट सब्सटेंस में से एक है। इसे ग्रेफाइट से बनाया जाता है, वही ग्रेफाइट जिससे पेंसिल की नोक बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, जब ग्राफीन को केमिकली सेपरेट किया जाता है तो ये पाउडर फॉर्म में बदल जाता है। तो अभी साइंटिस्ट वो तरीका खोज रहे हैं जिससे हम इसकी शीट्स बना सके। दोस्तों, ग्राफीन से बनी हुई शीट्स स्टील की शीट से कई गुना ज़्यादा मजबूत होगी, इतनी मजबूत कि हल्के कई सारे पंचेस को भी सह सके। अगर आप ग्राफीन की पतली शीट्स पर नुकीली चीज पर 10 हाथी भी रख दे तो भी ये नहीं टूटेगा। बिल्कुल कैप्टन की शील्ड की तरह ये सारी मशीन गन्स की चलाई गई बुलेट्स को भी बिना किसी दिक्कत के सह सकता है। साथ ही साथ ग्राफीन वाइब्रेनियम की तरह बहुत हल्का और फ्लेक्सिबल भी होता है, जिसे आराम से शील्ड की शेप में ढाला जा सकता है। दोस्तों, जो वाइब्रेनियम है उसकी भी अलग अलग फॉर्म्स होती है। जिस वाइब्रेनियम से कैप्टन की शील्ड बनी हुई है वो बहुत ही अच्छी तरह से काइनेटिक एनर्जी को डिस्पर्स करता है। जब शील्ड के किसी हिस्से पर इम्पैक्ट पड़ता है तो वो इम्पैक्ट का फोर्स पूरी शील्ड में फैल जाता है, जिसकी वजह से बड़े हमले को भी आराम से बिना टूटे सहन कर लेती है। ये जो काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्ब करती है उसको बाद में रिलीज करती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक स्प्रिंग अपनी एनर्जी स्टोर करने के बाद रिलीज करती हो। और वाइब्रेनियम की इसी प्रॉपर्टी की वजह से कैप्टन की जो शील्ड है वो लगभग अनब्रेकेबल है। तो दोस्तों, ग्राफीन मजबूत तो है लेकिन वो वाइब्रेनियम जितनी अच्छी तरह काइनेटिक एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन दोस्तों, टाइटेनियम एक ऐसा नेचुरली पाए जाने वाला मेटल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्प्शन की एबिलिटी बहुत हद तक वाइब्रेनियम जैसी है। तो दोस्तों, अगर हम ग्राफीन और टाइटेनियम का अलॉय बनाने में कामयाब हो गए तो इन दोनों के मिक्सचर से जो अलॉय बनेगा उसमें ग्राफीन की स्ट्रेंथ भी होगी और टाइटेनियम जैसी काइनेटिक एनर्जी को अब्जॉर्ब करके रिलीज करने की प्रॉपर्टी भी होगी। तो दोस्तों, हम इस मटेरियल से डेफिनेटली एक ऐसी शील्ड बना सकते हैं जो बहुत हद तक कैप्टन की शील्ड जैसी मजबूत और ड्यूरेबल होगी। ये वाइब्रेनियम शील्ड की तरह परफेक्ट तो नहीं होगी लेकिन उसको टक्कर तो दे ही सकती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।